मैं 17 महीने बाद जेल से बाहर आया तो एक सबके अंदर भावना थी कि मैं आपके बीच आऊं। अखिलेश भाई ने भी कहा, कार्यकर्ता साथियों ने भी कहा कि मार्केट में आइए। कमला नगर मार्केट तो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में से, जिसके लिए 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने और यहाँ के शॉपकीपर्स ने सबने मिलकर एक सपना देखा था कि इसको एक वर्ल्ड क्लास मार्केट बनाएंगे। 17 महीने में जेल में रहा तो मेरे को जेल की तो टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। बीजेपी के इन कुचक्रों के चक्कर में, इस बीजेपी की टुच्ची राजनीति के चक्कर में कमला नगर मार्केट का काम ठंडा पड़ गया थोड़ा सा। जो काम केजरीवाल जी ने मुझे आदेश दिया था कि कमला नगर मार्केट को वर्ल्ड क्लास मार्केट बनाओ और लोग यहाँ पे शॉपिंग शॉपिंग के लिए भी आए और लोग कहें कि कमला नगर मार्केट नहीं है तो क्या हुआ, क्या किया फिर दिल्ली में, कहाँ देखा क्या देखा, वो शॉपिंग एक्सपीरियंस यहाँ मैं डेवलप करना था। मैं 17 महीने जेल में भी बहुत सोचता रहा, अपनी टीम से बात करता रहा कि जो भी उनसे मैसेज हो पाता था मेरा उस प्रोजेक्ट को नीचे मताने देना। मुझे खुशी है कि थोड़ा थोड़ा सही जो केजरीवाल जी बाहर आने वाले कार्यकर्ता साथियों का, आप सबका जो अभी पूरे प्रजातंत्र में साथ रहे पार्षद बहन खूब लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, यूथ मिल रहा है, एजेड लोग, मार्केट के लोग, सब बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को, मुझको, आम आदमी पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप को झूठे केस में फंसाया हुआ था और झूठे केस में फंसा के जेल में डाला हुआ था। सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, ये लोग बीजेपी वाले बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, इनके पास पावर है तो सत्ता का दुरुपयोग, एजेंसीज का दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं। सब इस बात को भी बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि कोर्ट्स में, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से ये मामला ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है सबके दिमाग में आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते वक्त इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर दी तो ट्रायल में तो पता नहीं ये मामला 1 सेकंड नहीं टिकेगा।
तो ये कहीं टिकेगा नहीं मामला, बस बेल तक था, अब बेल हो गई है। मामला एक तरह से मान के चलो झूठ था, अब झूठ साबित हो ही चुका है और हम लोगों के बीच में हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब मार्केट वाले, रेहड़ी पटरी वाले सब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी ने उनके लिए खूब काम किए हैं कि केजरीवाल जी आएंगे तो और काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।